नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ। दोस्तों, एक मेरे भाई ने सवाल किया था कि सर ये कमांडोस कोर्सेस क्या होते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। कोर्सेस के बारे में बता दूँ दोस्तों कि हमारे इंडिया में सबसे जो कमांडो कोर्सेस टॉप पे आते हैं वो तो है, एक पहले पैरा कमांडो, जो आपको पता ही है, पैरा ऐसा कमांडो जिसे बोलते हैं वो है, जो कि आर्मी का होता है। उसके बाद आता है दोस्तों गरुड़ कमांडो, जो कि एयरफोर्स का होता है, और उसके बाद आता है मार्कोस कमांडो, ये होता है नेवी का। ये टॉप लेवल पे हमारे इंडिया में टॉप कमांडोज है, आपको बताइए दोस्तों इसके बारे में। तो ये तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर नहीं आते। अब जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आते हैं इनके बारे में बता दूँ दोस्तों आपको। तो सबसे पहले CISF की बात करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं CISF में हूँ, तो CISF की बात करते हैं पहले। कि CISF का स्पेशल कोर्स है दोस्तों निंजा कमांडो, जो कि CISF के ही लड़के उसमें, जो CISF में ड्यूटी कर रहे हैं वही लड़के, उनका ही सिलेक्शन होता है उसमें, वही लोग उसमें जा सकते हैं निंजा कमांडो में। और निंजा कमांडो ऐसा कमांडो है दोस्तों जो कि अर्बन एरियाज़ में जो भी आतंकी हमले होते हैं या फिर जो भी कोई बॉम्ब्स वगैरह लगा करके जो भी वहाँ पे खतरा होने की चांसेस होते हैं उसके साथ डील करते हैं अर्बन एरिया में, या फिर कोई नक्सली आतंकी या कोई घुस जाता है, घुसपैठिया आता है, तो उसे डील करने के लिए निंजा कमांडो करता, उसके लिए कोशिश ये करता है दोस्तों, ऑपरेशंस करता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों CRPF में। जो CRPF का स्पेशल है वो है कोबरा कमांडो, जो कि स्पेशली आतंकियों के साथ जंगलों में लड़ने के लिए बनाया गया है। CRPF तो वैसे आर्मी के साथ मिलके अपना जम्मू कश्मीर में आतंकियों से भी लड़ती है, और इधर इंडिया में भी अंदर इंटरनल ड्यूटी भी करती है, जैसे इलेक्शंस हो गया, वो सब हो गया, जैसे और कई आंदोलन हो रहा है, कई झगड़ा हो गया है, कई ज़्यादा 144 जैसे अभी धारा लगा दी गई थी, तो वहाँ पे भी ऐसी ज़्यादा मैटर हो जाता है, तो CRPF अंदर भी काम करती है, अपने इंडिया में अंदर भी काम करती है, बाहर आतंकियों से भी लोहा लेती है, और इधर छत्तीसगढ़ उड़ीसा जैसे जंगलों में वहाँ नक्सलियों के साथ भी लड़ती है। तो ये हो गया कोबरा के बारे में। लेकिन कोबरा में आपको जाना होगा दोस्तों तो उसके लिए आपको CRPF में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि CRPF में जो लोग ड्यूटी करते हैं वही सिर्फ कोबरा में जा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों VIP सिक्योरिटी, NSG, SPG और SSG और स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप, जो भी होते हैं मंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री है, जो भी मुख्यमंत्री है अलग अलग राज्यों के, जिनकी सिक्योरिटी करते हैं, जो बनाए जाते हैं SPG वगैरह जो भी है, उनमें अगर आपको जाना है तो उसमें कोई भी फोर्सेस वाला जा सकता है। जैसे CRPF, BSF, ITBP, CISF, इनमें से सारों का सिलेक्शन वहाँ पे होता है, वहाँ नाम भेजा जाता है, वो सब लोग वहाँ पे जाते हैं, फिर उनका फिजिकल ट्रेनिंग, वहाँ पे टेस्ट होता है एक प्रकार का, तो वहाँ अगर सिलेक्ट हो गए आप तो वहाँ उसके बाद फिर वो कोर्सेज में आप जा सकते हो ये कोर्सेज में। और जैसे NSG का काम आपको पता ही है दोस्तों, जैसे कोई बाहरी आतंकी हमला होता है तो अर्बन एरियाज़ में लड़ने के लिए NSG काम करती है। SPG वगैरह भी आपको पता ही है दोस्तों, जो भी बड़े बड़े VIPs हैं हमारे, उनके साथ ये करती है, उनके साथ उनका प्रोटेक्शन करती है, उनके साथ ड्यूटी करती है। तो ये हो गया, इसमें आप जा सकते हो। और CISF की बात करें तो CISF में आप निंजा कमांडो देख रहे होगे, पता ही आपको निंजा कमांडो के बारे में बता दिया, आप निंजा कमांडो में जा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों CISF में से या फिर अदर फोर्सेस में जो जाते हैं NSG में जाते हैं, SPG में जाते हैं, ये जो हमारी जो देश के जो VIPs लोग हैं, जो उनको सिक्योरिटी देना का काम करते हैं, जो सबसे अच्छी कमांडो, मतलब ज़्यादातर लोगों का जो होता है कल, जो क्या बोलते हैं हम, ज़्यादातर लोगों का जो टर्न होता है उधर जाने का होता है, क्योंकि उसमें आपको पेमेंट भी थोड़ा अच्छा मिलता है, और उसके बाद आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी मिलती है, और सिलेक्शन भी इसलिए आसानी से हो जाता है। आसानी से मतलब आपको फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब फिजिकल टफनेस होता है, फिजिकल आपका टफ होना चाहिए आप वहाँ जाने के लिए, लेकिन इसमें अगर आप डिटेल में आता है तो वो आसानी से मिल जाता है। ये बात थी दोस्तों कमांडो कोर्सेज के बारे में, तो ये मैंने बता दिया आपको। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।